कलयुग किस कदर बढ़ चुका है ये अगर आपने सुना नहीं है तो आज हम आपको दिखाएंगे। अक्सर चोरियां आपके घर, दुकान, ऑफिस में होती थी, लेकिन कभी आपने भगवान के घर में चोरी होती हुई नहीं देखी होगी। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे जगाधरी के लाल द्वारा में, भगवान का एक मंदिर है, लाल द्वारा मंदिर है। और यहां पर जैसा कि आप सीसीटीवी वीडियोस में देख रहे हैं, यहां पर रात को, कल शाम को जो है चोरी हुई है। चोर आराम से, शिद्दत से जो है यहां से गोलक उठाकर, जो दान पात्र की गोलक होती है उसको उठाकर यहां से आराम से यहां पर कैश गिनता है। ये वही जगह है जो आप सीसीटीवी में देख रहे हैं, किस तरीके से यहां से वो गोलक में के जितने भी पैसे हैं उठाकर, यहां पड़ी थी वो गोलक, वो उठाकर यहां से रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे में एक महिला आती है जो यहां पर सेवा कर रहे होते हैं, उनसे भी बातचीत होती है, उनको चोर दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद जो है चोर वहां से भाग जाता है। तो जो सीसीटीवी में आप महिला को देख रहे हैं, वो महिला हमारे साथ है, उनसे भी जान लेना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कल आप यहाँ पर पहुंचे थे, क्या देखा था आपने? चोर चोर पैसे देख रहा था और जब मैं बाहर गई तो वो भाग गया था वो दूसरे। अच्छा। तो जब आप नीचे आए थे आपको क्या पता लगा था? आप अपने आप आए थे कि आपने कुछ आहट सुनी थी? मैं अपना पाई थी, मैं सेवा करने आई थी। आप क्या करते हो यहाँ पर? मैं बर्तन धो रही थी ना भगवान के। नहीं, आप इस मंदिर में क्या काम करते हो? मंदिर में रहते हैं, यही रहते हैं। तो आपने उससे बातचीत की है, जैसा कि हम सीसीटीवी में देख रहे हैं आपकी लंबी बातचीत हुई है उसके साथ, क्या बातचीत हुई थी, कौन था, कैसा दिखता था, क्या कर रहा था वो? वो पैसे देख रहा था। बातचीत क्या हुई थी आपकी उनके साथ? बातचीत कुछ भी नहीं। घबरा क्यों रहे हो आप? आप जानते हैं उसको? नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर आपकी इतनी लंबी बातचीत हुई है, 1 से 1.5 मिनट आपकी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई थी? मैंने कहा क्या क्या कर रहा है तू? कह रहा है मैं पैसे देख रहा हूँ। मैं क्या चलिए, ये तो घबरा गए। प्रधान जी आप हैं यहाँ पर, क्या हुआ था पूरा मामला? ये आज हमारे को दोपहर को पता चला, जब यहाँ पर हमारे एक सेवक आए, उन्होंने देखा कि जो अंदर पेटी पड़ी हुई है वो पेटी वहाँ से अपनी जगह से हिल करके यहाँ पड़ी हुई थी। तो जैसे ही हमने उस पेटी को देखा तो वो पेटी का जो जहाँ से पैसे डाले जाते हैं वहाँ, वो उसको किसी सरिये से, ऐसे लग रहा था कि उसको सरिये के साथ दबा करके उसको मोड़ दिया गया है। तो फिर हमने उसको आकर के जब देखा और हमने फिर अपनी वो चाबी ला करके, जो मेन हमारा मंदिर है इसका, ये जो गोलक पड़ी है इसको भी देखा, तो इस गोलक का भी जो कुंडी थी वो भी उन्होंने इसको पूरी तरह से मरोड़ा हुआ था। और उसमें कितना कैश था वो अनकाउंटेड कैश था, क्योंकि उसको गोलक को खोले हुए हमारे को काफ़ी समय हो गया था, और उसके अंदर कितना कैश गया है इसके बारे में हम अपनी पूरी तरह से जानकारी नहीं दे सकते, ठीक है ना। और ये जब गोले खोली है इसमें से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये गोले इंटैक्ट थी, इसके अंदर से कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं गया, क्योंकि इसका ताला वो तोड़ने में असमर्थ रहा है। उसके बाद हमने जब सीसीटीवी कवरेज देखी है तो वो कल शाम को 5:47 में मंदिर में एंटर होता है, मंदिर से, मेन मंदिर से एंटर होकर के, और ये शंकर जी के मंदिर से एंटर होता है और यहाँ से अपना कार्य करके और उसी रास्ते से वो वापस चले जाता है। और इसके बाद हमने उसके एक और सीसीटीवी फुटेज देखी है, तो वो अपने यहाँ पर जो हमारे वर्कर लगे हुए थे, जैसे कोई एक यहाँ पर स्वीपर है, उससे भी उसने बातचीत की है, तो वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर ये अपना मैट्स वगैरह की सफाई करने के लिए आया हुआ हूँ। तो आपको कैसे पता चला था चोरी हुई है, कैसे, क्या पता लगा था? हमारे सेवक ने आज बताया ना, कोई सेवक यहाँ आया, उसने देखा कि वहाँ से जो पेटी है वो अपनी स्थान से हिली हुई है और यहाँ पड़ी हुई है। तो ये मैडम ने तो चोर के साथ बातचीत की, इन्होंने नहीं बताया आपको इसके बारे में? तो हमारे को जब सीसीटीवी फुटेज देखी है तब हमारे को पता चला इसके। कहीं ना कहीं इन पे शक नहीं जा रहा आपका? नहीं, ये तो हमारे यहाँ पर 40 साल से रह रहे हैं ना यहाँ पे, तो बताने में तो असमर्थ, घबरा रहे हैं वो, ऐसा है ना, लेडीज है ना, तो इसलिए उसको थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि क्या कहें क्या ना कहें। पुलिस को सूचना दी आपने? अभी हम देने जा रहे हैं। तो लगभग कितना कैश हो सकता है, कब से नहीं गोलक खोली? और ये 6 महीने से इस गोलक को हमने नहीं खोला, तो अब इसमें अनकाउंटेड कैश है, पता नहीं कितना कैश गया है इसके अंदर। ये तो बाबू जी, क्या सोचा था आपने कि भगवान के घरों में भी इस तरीके से चोर दाखिल होंगे, चोरियां करेंगे? ऐसा क्योंकि काफ़ी पिछले समय से हम काफ़ी देर से देख भी रहे हैं, फेसबुक पे फुटेज ऐसी आ भी रही हैं, कई गुरुद्वारों के अंदर से भी गोलक चुराने की कोशिश की गई है, और ऐसा मतलब कि हमने नहीं सोचा था कि ये हमारे मंदिर में भी ऐसा कोई आकर के इसको चांस ले सकता है। तो तमाम क्या अपील करेंगे लोगों से, अगर कहीं ऐसे तरीके की घटना होती है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। अब क्या लगता है कौन हो सकता है वो चोर? अब हमने तो कोशिश की है कि नियर बाई के जितने भी सज्जन हैं उनको बुला करके कोशिश की है कि उसको पहचाना जाए, परंतु अभी तक कोई भी आदमी उसको पहचानने में असमर्थ है, तो इसलिए हम इसको पुलिस स्टेशन में जाकर के इसकी कंप्लेंट लॉज करवा रहे हैं, और ये बाकी पुलिस का काम है, उसको देखेगी कि कैसे इसको सर्च करती है और कितनी जल्दी इसको ढूंढने की कोशिश करती है। मंदिर में कभी चोरी हुई पहले?
इससे पहले मंदिर के अंदर चोरी नहीं हुई है, मंदिर के बाहर गली में जरूर जो ये सीवरेज के ऊपर जो हमारे मेन होल के कवर लगे हुए हैं वो एक बार जरूर यहाँ से रिमूव हुआ था। जी बाबूजी, आपको क्या लगता है, आपकी भी काफी एज हो चुकी है, कभी सोचा था कि गुरु के घर में, भगवान के घर में इस तरीके से चोर दाखिल होंगे, चोरियां करेंगे? क्या लगता है किन की वजह से हो रहा है? सर ये कुछ नशेड़ी आदमी है जो ऐसा काम करते हैं, कुछ नशेड़ी आदमी जो हैं ऐसा काम करते हैं, कभी हमारे ये मंदिर की टूंटियाँ वगैरह तोड़ के ले जाते हैं पीतल की, कभी मतलब कुछ नुकसान कर जाते हैं। चलिए, तो ये वो महिला थी जिसके साथ काफ़ी बातचीत हुई है, मैं फिर से जानना, मैडम घबराइए मैं थोड़ा, बताइए आपकी बातचीत क्या हुई थी उसके साथ जब आप यहाँ से अंदर दाखिल हुए हैं? ठीक पीछे वो सीसीटीवी कैमरा है, मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, उसी कैमरे की ये तस्वीर है, और यहाँ से वो चोर वहां से गोलक उठा के आराम से शिद्दत से यहाँ पर नोट गिन रहा होता है, अचानक से एक महिला आती है और उसे पूछताछ करती है। क्या पूछताछ हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, कुछ बता सकते हैं? मैंने कहा था तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहा मैं 10 रुपए निकाल रहा हूँ, मैं कि जो जितने पैसे तेरे नीचे रखे हुए ना वो सब गुल्लक में डाल दे। तो फिर आपने शोर नहीं मचाया उस टाइम? मुझे पता नहीं लगा ये पक्का चोर है, उस टाइम मुझे पता नहीं लगा पक्का चोर है, नहीं नहीं मुझे लगा आम इंसान ही है। ना 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 ना, तो ये बता रहा था ना मैं मैट साफ करने आया हूँ, ये भी बताया ना उसने? हाँ उसने कहा मैं मैट मुट साफ करने आया हूँ। तो पकड़ा नहीं फिर आपने उनको जब आपको लगा चोर है? नहीं, मुझे लगा झाड़ू पोछा मारने वाले लोग नहीं थे यहाँ पे, कोई भी नहीं हो नहीं थे यहाँ पे। जी, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान के घरों में भी जो है अब चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से वही तस्वीर है, अगर आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हो, यहां से वो चोर दाखिल होता है, उस चोर ने ब्लैक कलर का एक ट्राउजर डाला हुआ है, व्हाइट कलर की हुडी है। अगर आप इस व्यक्ति को कहीं भी पहचानते हो, कहीं भी आसपास देखा हो, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन में दे। लाल द्वारा जगाधरी मंदिर की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि भगवान का मंदिर है और तस्वीरें भी लगी हुई हैं, सीसीटीवी कैमराज भी हैं, लेकिन फिर भी जो है लोगों के हौसले जो है बुलंद हो चुके हैं। हालांकि सामने आप देख सकते हैं दान पात्र एक और भी पड़ा हुआ है, उसको भी खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन मजबूत होने के कारण, ताला मजबूत होने के कारण जो है वो ताला नहीं तोड़ पाया, लेकिन जो उसके हाथ लगा वो लेकर यहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, देखना होगा कि कब तक आखिर चोर सलाखों के पीछे पहुंचता है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहे HR71 न्यूज के साथ।